तो गाइस अभी हम आए हुए थे बेटशाह वाली साइड पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि लिखा हुआ है गुरुद्वारा साहब। हाँ। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर आया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत बोलते हो कि दिखाओ पाकिस्तान हाँ। का गुरुद्वारा कैसा दिखता है। तो अभी मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। तो ये है जी गुरुद्वारे की बिल्डिंग, और ये इशारा बरेज खड़े, और यहाँ से एंट्रेंस है, तो यहाँ से अंदर जाएंगे। आ जाओ शाहरुख। तो चलो जी अंदर चलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? सरदार प्रकाश सिंह। सरदार प्रकाश सिंह, तो ये कब से यहाँ पे गुरुद्वारा? गुरुद्वारा इस बिल्डिंग को तो 6 साल हो गए जी। इससे पहले हमारे गली में गुरुद्वारा छोटा वहाँ पे था। अच्छा, इस बिल्डिंग को तकरीबन 6 साल हो गए। ठीक हो गया, तो आप हमें एक विजिट करवा दें अंदर। माशाल्लाह। ये हमारा है लंगर हाल, यहाँ पे जो है लंगर बनता है जी। तो भाई बना भी रहे हैं अभी। ये दिन में चलता है, तकरीबन 12 बजे से स्टार्ट होता है जी, जी शाम को 7 बजे तक चलता रहता है। ठीक हो गया। उसमें जो भी आ गया, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जी जी, सिख है, जो भी आ जाए उनसे पूछा नहीं जाता है आप किस कास्ट से बिलीव करते हैं, फिर जो है लंगर आप खाएँ। अच्छा। जो भी आ जाए लंगर खा सकता है, चाय का भी बंदोबस्त होता है, ठंडा पानी होता है। तो सबसे पहले ये गुरुद्वारे का लंगर हाल है, यहाँ पे लंगर बन रहा है। भाई आपका नाम क्या है? अजय सिंह। अजय सिंह भाई आपका नाम? कुसुमर। आपका नाम? हबीब। और उनका? गोरधनदास। और आपका नाम क्या है? चंदरलाल। तो ये सिंध का गुरुद्वारा जी, और सारे सिंधी हैं भाई। यहाँ पे लंगर वगैरह बना रहे हैं, क्या क्या है लंगर में? लंगर में बहुत कुछ है, दाल चावल कड़ी पीस। अच्छा, यहाँ पे ये लंगर हाल है, आगे ये सारा लंगर हाल है, यहाँ पे लोगों को बिठा के फिर लंगर कराते हैं। अभी लाइट थोड़ी कम है, लाइट गई हुई है। वैसे हम फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ, और ये गुरुद्वारे में हमारा फर्स्ट टाइम है। भिक्षा का गुरुद्वारा है, मेन गुरुद्वारा भिक्षा, शहादत भिटाई, उसी शहर में। डिस्ट्रिक्ट हमारा मटियारी है, तहसील हाला है। आ जाए। बच्चे नाम क्या है आपका? आकाशी। आकाशी जी, सरूप आज सत्य कार्य के बांध दिया। सही है रुमाल, थोड़ा नीचे करो। नीचे करूँ? हाँ, नीचे। हाँ, सही है। ठीक हो गया। जिस तरह मतलब हमारा मस्जिद में होता है कि टोपी वगैरह पहन के नमाज़ पढ़ी जाती है, वैसे यहाँ पे भी रिस्पेक्ट। हजूर साहब है, यहाँ पे इबादत होती है सुबह 5 से 7 बजे तक, 2 घंटे। शाम के टाइम पे भी कीर्तन सत्संग वगैरह होता है 7 बजे से 9 बजे तक। जब इबादत का टाइम होता है तो एक साइड पर लेडीज़ बैठती है, एक साइड पर जेंट्स बैठते हैं। यहाँ पर बैठ के फिर हमारा जो पाक कलाम है गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, वो पढ़ा जाता है। फिर वो जो भी उपदेश निकलता है वो सब संगत को देते हैं। वो उसमें जिक्र होता है रब का, जो हमारा अभी आपको देखना चाहें तो आके देख लें। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का भी प्रकाश है, अभी गुरबानी ये बंदा जो पढ़ रहा है, गुरु का जो कलाम है हमारे, वो ये पढ़ रहा है। फिर यही सारों को शाम के टाइम पर और सुबह के टाइम पर जो भी हुक्मनामा साहब निकलता है वो सबको बता दें। यहाँ पे भजन होता है, कीर्तन जैसे कहते हैं, हमारे जो कीर्तनी बच्चे हैं वो यहाँ पे बैठ के इबादत करते हैं, कीर्तन करते हैं। अच्छा, ये सुखासन के स्थान है, यहाँ पे जैसे साहिबों को रात को सुलाते हैं बेड पे, आराम, यहाँ पे आराम की जगह जैसे बोलते हैं। ये बेड है, यहाँ पे सुखासन का स्थान है, वहाँ पे अलमारी में उनके वस्त्र वगैरह कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। सही। नितनेम होते हैं, ये सुंदर गुटका साहब इसको बोलते हैं, ये जैसे सुखमन साहब का पाठ है, गुरु अर्जन देव जो साहब की वाणी है, उसको भी ये जो बच्चे आते हैं यहाँ पे आके अपना नेम करते हैं जी जी, हर कोई ये खोल के पढ़ता है। जिसको आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना होता है, 5 मिनट पढ़ना होता है, जो भी अपना आके नेम करते हैं उस हिसाब से। सुंदर गुटका। और ये हिंदी में? ये गुरुमुखी में, गुरु नानक साहब की जो बोली उच्चारण की हुई है ना। अच्छा, अच्छा। उसमें ये हिंदी में, हिंदी से अलग है। गुरु नानक साहब ने जो अपनी बोली उच्चारण की थी उसमें। अच्छा। इनको गुरुमुखी कहा जाता है।
हिंदी भी तकरीबन डिफरेंट होती है, मतलब थोड़ा सा उच्चारण उनका पंजाबी में होता है, हिंदी का जो है उर्दू में तकरीबन होता है। ये होगी इबादत की जगह मेन। नीचे आपको जैसे नंगराल दिखा दिया, ये सुखा संगारों में जहाँ पे शाम को आराम करते हैं, सुबह उठते हैं साहब। हमारे पास कोई बाहर का मुसाफिर आ जाता है उसको रात को ये रूम देते हैं, अटैच बाथरूम के साथ होता है। फैमिली के होते हैं बंदे या फिर रात को अगर देर सवेर हो जाती है किसको सफ़र में, तो उसके लिए एक रूम भी है, बिस्तरा भी मिलता है उसको, लंगर भी मिलता है, इबादत भी आके अपनी करता है। अच्छा, मतलब कोई भी मज़हब वाला? जी जी, रिहाइश के लिए। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था गुरुद्वारे में, सही है? बहुत अच्छा लगा भाई इनसे मिलके, और यहाँ के जो देखभाल कर रहे हैं इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें पूरे गुरुद्वारे का टूर करवाया, हमें हर चीज़ के बारे में बताया, सही है? हमें बहुत अच्छा लगा, हमें इतना अच्छा वेलकम दिया इन्होंने। क्योंकि सिंध में ना शहादत बिटाई की दरगाह है यहाँ पे, हम सिंधी एक पेशावर में जो हमारे सरदार लोग रहते हैं, सिख हजरात रहते हैं ना, वो वहाँ पे पश्तो बोलते हैं। सही। अभी जो तकरीबन सराय की पट्टी जो आती है वहाँ पे सरायकी में बात करते हैं, पंजाब में तो पंजाबी चलती है, वैसे जो हमारा बुक जो लैंग्वेज वैसे वो पंजाबी में है। सही। उसका जो उच्चारण है वो पंजाबी में, गुरुमुखी में। तो आपको भी पंजाबी आती होगी? हाँ, वो तो लाजमी, जाते हैं जब पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी बोलते हैं। सही। अगर एक बंदा चला जाए अमरीका तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे सिंध में रहते हैं तो सिंधी तकरीबन घरों में भी, और यहाँ पे हम तकरीबन सिंधी बोलते हैं। सिख भाइयों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो सबके लिए साझा है, जैसे यहाँ पे अभी हमारे गुरुद्वारे में गुरु नानक साहब का ये उपदेश है भाई, कोई भी आ जाए किसी से जात मज़हब नहीं पूछो, आके बोले बैठ जाए। वो तीन उसके मुख्य जो उपदेश हैं, नाम जपो, वंश को कीर्त करो, नाम जप के नाम मकसद है कि बंदगी करो और कीर्त करो, अपनी जो है अपने हाथों से कमाओ जो या रोज़ी रिज़्क जो है करो, और वंड के खाना है, बांट के खाना है, ये उपदेश है मुख्य गुरु नानक साहब का। वो बच्चा कहाँ गया? उसके साथ एक पिक बना। अजय सिंह छोटा बच्चा बोल रहे हैं, वो सरदार था जो छोटा बच्चा, ये लोग का लड़का है, ये बच्ची है, भतीजी मेरी। अच्छा, बच्ची है ये? मैंने सुना आकाश, आकाशी नाम है इसका। फोटो आज पिक्चर बनाते हैं। अब गया था ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। बैठे आप चाय पिए? नहीं, अभी नंबर लिख रहे हैं ताकि हम फिर इनको वीडियो व्हाट्सएप कर सके। सही है सर, शुक्रिया। आगे जूस नहीं शुरू मेरे बताओ, मुझे खुशी दी था मेरी करे शूज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं, शूज़ उठा लें, शूज़ पहन लो बस, यहीं पे यहाँ पे पहन सकते हैं। ये रुमाल अशरफ नहीं दिए? हाँ, तो भाई फर्स्ट टाइम आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ। और कितने नाइस बंदे थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा हमें। सरदार जी ने बहुत अच्छा वेलकम किया। हाँ। हर चीज़ के बारे में बताया। हाँ। बिल्कुल भाई, तो बहुत अच्छा लगा भाई। आप लोग कमेंट्स में अजीब चीज़ें लिखते हो, बट यहाँ पे तो सुकून से रहा। हाँ भाई, कुछ लिखा नहीं है। हाँ भाई, हर शहर में, हर मुल्क में हर धर्म रहता है, सही है? हाँ। मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, और हर किस्म का रिलीजन है, सही? हर मुल्क की बात कर रहे हैं। हाँ। सही है, तो ये मत बोला करो यार। वैसे ये खुशी हुई कि सिंध में सिंधी ही है। हाँ। पंजाबी नहीं थे तुम लोगों ने? भाई पंजाबी सरदार देखा। हाँ। हमने सिंधी सरदार देखे भाई। तो गाइस, हमें तो गुरुद्वारे आके बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस। खैर, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी एक कीर्तन है, आप वो एंजॉय करें, वो सुने आप।
Thank you.
अपनी बंदगी से जोड़ो। बाबा फरीद जी